कोरोना का प्रकोप लगातार दुनिया भर में बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम देश दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। भारत की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मजदूर वर्ग पर भी इसका ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास खाने कमाने का कोई ऑप्शन नहीं बाकी है। ऐसे में मजदूर वर्ग पलायन करने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी निकल कर सामने आई कि मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। मंडी जिले के सुंदरनगर में शनिवार को मनाली से 132 किलोमीटर की दूरी तय कर 10 मजदूर पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से पैदल सफर तय कर मनाली से सुंदरनगर पहुंचे हैं। मजदूरों ने कहा कि वो मनाली के गांव जिया में काम करते थे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के कारण वो पिछले दिनों मनाली में उनके ठेकेदार ने गांव के लिए वापस जाने को कहा, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़े। कई जगह पुलिस प्रशासन ने रोका, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके साथ ही मजदूरों ने बताया कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है और ठोकरे खाने को मजबूर हैं। अब मजदूरों ने सुंदरनगर प्रशासन से उनके घर पहुंचाने की मांग की है। मैं मलानी से चलावा हुआ रहा, रास्ते में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो कर्फ्यू लग रहा, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है सर। क्या नाम ले रहे, हमारे ठेकेदार है वो भी फंस रहे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। रास्ते में बहुत परेशानी, कोई वाहन नहीं मिल रहा, पुलिस वाले कह रहे यह है वह है, वो भी बेचारे कोई हेल्प नहीं करना चाह रहे, हेल्प कर रहे तो कोई रोक नहीं रहा। सर यूँ कह रहे आगे चलो FDM के पास में परमिशन बनाओगे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में काम करने आए प्रवासी मजदूरों को यहां से उनके घरों तक नहीं भेजा जा रहा है और सरकार पर प्रशासन द्वारा उन्हें घर जाने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है, जिसके चलते प्रवासी कामगारों में खासा रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में देश के अलग अलग राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में आए कामगार यहां पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अपने अपने घरों को जाने के लिए सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वे स्थानीय प्रशासन के पास अपने अपने घर जाने के लिए अनुमति लेने गए थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। परमिशन सर गया है, सिरे नहीं देती, वो कहता भी नहीं मने, वो ये तो चाहिए पिंड जान की करनी चाहिए कि आपको अपनी घर ही पहुंचन, हम इतने ना कहना आने की जगह भुखे भाने बैठे हैं, ये ज्यादा मुश्किल आ अपने बच्चों के बच्चे दिखन रहे ने। इस करके ये भाजी अपील चाहिए है गवर्नमेंट नूं भी आपो अपने साधन सूधन लैके घर पहुँच सकना, हूँ जो राज खराब होंगे वो परेशान इन्ने ड्राइवर होंगे ने, कोई कितने बैठा कोई कितने बैठा। यार सर 4-5 दिन हो गए इतने फसियां नूं, ना कोई रोटी ना पानी ना नहाने का ना धोने का, हूँ जाइए तो हम कितने जाइए, मालक कहते सानू नहीं घर से निकल देंगे, ड्राइवरी करता नालागढ़ में। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मजदूरों को सुविधा मुहैया करवाया जा सके, लेकिन मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन भी अभी धीरे धीरे इंतजाम कर रहा है। मजदूर लगातार अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, पैदल अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस काफी घातक है। ऐसे में सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है।